अस्सलाम वालेकुम डीएनएन न्यूज के साथ मैं हूं नादरा आमिर। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाब के पेश नजर कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद फील्ड रिलीफ कैंप्स में इंतजाम का जायजा लेने पहुंच गए। दरियाई बेल्ट के मुख्तलिफ वजूहात का हंगामी दौरा, जिला इंतजामिया की जानिब से बनाए गए फील्ड रिलीफ कैंप्स का भी मुआयना। फील्ड रिलीफ कैंप्स में इंतजाम के बारे तफसीली ब्रीफिंग। मलक बहावल और पीर गनी के स्कूलों में बनाए गए फील्ड रिलीफ कैंप्स में दस्तियाब सहूलियात का भी जायजा लिया। हेल्थ और लाइव स्टॉक और दीगर महकमों के स्टॉल का भी मुआयना किया। फील्ड रिलीफ कैंप्स में दवाइयात का स्टॉक समेत तमाम मशीनरी वर्कर हालत में मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान खिची, जिला इंतजामिया ने सैलाब के खतरात से निपटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर तमाम महकमे हाई अलर्ट रहे। कमिश्नर साहिवाल, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 11 मई का अमला मौके पर एक्सरसाइज के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने की मुश्क करे। फील्ड रिलीफ कैंप्स में लोगों के खाने पीने और रिहाइश के लिए बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। लोगों के जानोमाल के तहफ्फुज के लिए फील्ड रिलीफ कैंप्स पर मामूर पुलिस एहलकार जान फशानी से फराइज सर अंजाम दें। रिपोर्ट रहिल राव डीएनए न्यूज साहिवाल। अब तक के लिए इतना ही, मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा।